हेलो यूट्यूब, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने माइक को एक सॉरी अपने स्पीकर को एक माइक की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं जब छोटा था, मेरे घर के पास एक मंदिर है जहाँ पे बहुत पहले क्या कहते हैं स्पीकर को माइक की तरह यूज़ किया जाता था। तो मैंने बहुत पहले देखा था तो कभी समझ नहीं पाया कि आखिर ये हो क्या रहा है। स्पीकर मतलब जो पंडित था वहाँ का, वो स्पीकर में बोलता था तो हंसी लगता रहा शुरू में, लेकिन बहुत बाद में पता चला कि जो मतलब स्पीकर और माइक बस मतलब एक दूसरे का अपोजिट होता है। जब आप एक स्पीकर में या फिर एक माइक में ही समझ लीजिए बोलते हैं, तब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनता है, उससे मतलब एनालॉग सिग्नल जनरेट होता है। ठीक उसी तरीके से मतलब बिजली पैदा होता है जनरेटर से। तो सब जो है सो इंडक्शन से ही होता है। तो मतलब और इसी वजह से आप जो है सो सिग्नल एम्पलीफायर को भेजते हैं और एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करके जो है सो मतलब लाउड स्पीकर में बजाता है। तो बस एक तरीके से माइक और स्पीकर एक दूसरे का अपोजिट है। आप स्पीकर को माइक की तरह यूज़ कर सकते हैं और माइक को स्पीकर की तरह बस। लेकिन बात ये हो जाता है कि स्पीकर को डिजाइन किया गया है स्पीकर की तरह, मतलब काम करने के लिए लाउड साउंड के लिए, और माइक को डिजाइन उसका डायफ्राम माइक का जो होता है बहुत पतला और हल्का मतलब होता है कि मतलब वो आसानी से मूव करे, और स्पीकर का जो होता है मतलब कहने का मतलब मजबूत होता है ताकि वो पावरफुल साउंड प्रोवाइड कर सके। तो एक तरीके से आप इमरजेंसी में स्पीकर को माइक के तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट आप यूज़ नहीं कर सकते। तो डेमोंस्ट्रेशन के लिए मतलब आज मैंने एक ये छोटा सा स्पीकर, मेरे पास ये मिल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मिला। मेरे पास जो स्पीकर है सारा बड़ा है, तो ये कहीं कचरे से निकाला है मैंने। तो ये छोटा सा स्पीकर है, इस स्पीकर में मैंने कनेक्शन बस सिंपल है, जैसे आप स्पीकर को जोड़ते हैं वैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मैंने इससे निकाल दिया। और ये जो आप देख रहे हैं ये 5 mm जैक, तो ये आपको मतलब ये आप हेडफोन के तरह यूज करते हैं। तो मैं यहाँ एक एम्पलीफायर है मेरे पास, तो इस एम्पलीफायर में यहाँ पे ऑक्स का है, यहाँ वैसे एक माइक का भी ऑप्शन है, लेकिन चूंकि मेरे पास अभी वो बड़ा वाला पिन नहीं है तो मैं एक ऑक्स को ही माइक की तरह यूज करूँगा। तो इसलिए मैंने जो ये मतलब ये ऑक्स पिन है इसको डायरेक्ट स्पीकर से जो है सो कनेक्शन कर दिया। आप देख सकते हैं कनेक्शन के लिए सिंपल सा, ये जो नीचे वाला है सबसे नीचे वाला ये ग्राउंड है, और बाकी ये ऊपर वाला जो है सो ये सिग्नल है लेफ्ट और राइट के लिए। तो आपको इस दोनों को बस कंबाइन कर देना है, और ये जो है मतलब ये जो ग्राउंड है इसको वैसे ही रहने देना है। तो एक वायर आप इस ग्राउंड से निकालेंगे और इस दोनों को ऊपर वाले को कंबाइन करके आप स्पीकर में जोड़ देंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये स्पीकर एक माइक की तरह बिहेव करने लगेगा, लेकिन आप परमानेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इफ़िशियंसी मतलब उतना इफ़िशियंट नहीं होता। दोनों चीज़ को माइक और स्पीकर को अलग अलग उसके काम के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, लेकिन अगर आप इमरजेंसी में है तो आप एक स्पीकर को माइक की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखें जब भी आप किसी स्पीकर को माइक की तरह यूज करें तो उसका देख लें कि उसका जो डायफ्राम है ईजिली हिलना चाहिए, क्योंकि वो हिलेगा नहीं जब तक तो वो वेव्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। माइक का देख लेंगे डायफ्राम बहुत पतला होता है, आप छुएंगे तो एकदम आसानी से धंस जाएगा। तो जो है ऐसा स्पीकर चूज करें जो आसानी से हिल जाए। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा स्पीकर लिया, अगर बड़ा स्पीकर लूँगा तो मतलब वो हिलेगा नहीं, कितना भी भौंकू उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए मैंने एक छोटा स्पीकर लिया। उसके बाद इसका कनेक्शन मैंने डायरेक्ट जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं टेस्ट के लिए इसके ऑक्स पे पिन में लगा दिया। उसके बाद ये देख रहे हैं ये ऑक्स मोड में है। उसके बाद इसका वॉल्यूम मैंने रिमोट से इसका मैंने फुल कर दिया है 50, इसमें 50 तक ही होता है, 50 तक ही लेवल है इस MP3 में, तो इसको मैंने फुल कर दिया। उसके बाद एम्पलीफायर में एम्पलीफायर का वॉल्यूम अभी पूरा लो है तो इसको मैं बढ़ाता हूँ। मैंने अभी डेमोंस्ट्रेशन के लिए फुल किया है, तो आप देख रहे होंगे कि मैं जैसे ही माइक पे टच करूंगा तो ये आवाज़ करेगा। आपने देखा होगा कि मतलब आवाज़ किया आप मतलब आवाज़ आ रहा होगा। तो अगर इसमें मैं बोलूंगा तो ये भी मतलब माइक की तरह मतलब जो है सो बिहेव करने लगेगा, लेकिन ये उतना एफिशिएंट नहीं होगा। तो एक बार बोल के देखते हैं, हेलो माइक टेस्टिंग। तो एक तरीके से ये काम करता है, लेकिन इसमें ये उतना एफिशिएंट नहीं काम करेगा जितना एक ओरिजिनल माइक काम करता है, लेकिन हाँ इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मैं इसको ठोकता हूँ तो आप आवाज़ सुन सकते हैं। इसमें बोलते हैं तो मतलब आवाज़ करता है, लेकिन चूंकि स्पीकर थोड़ा दूर है इसलिए आपको शायद हो सकता है कम आवाज़ या फिर आवाज़ ही ना आए,
लेकिन ये काम करता है। और इन केस ऑफ इमरजेंसी मैंने कई बार ऐसा किया है, तो आप भी जो है सो मतलब किसी भी एक ऑर्डिनरी छोटे से स्पीकर को इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपके पास माइक नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मतलब ठीक नहीं है, क्या इसके नज़दीक बोलना पड़ेगा, इसमें एकदम घुस के बोलना पड़ेगा अगर आपको इसको मतलब ड्राइव कराना है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आपसे शेयर करने के लिए। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर दीजिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।